मैं चैनल आज आपको एलक्रम स्टूडियो के विंटर कलेक्शन दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैक्स शर्ट्स मैं देख रही थी और बहुत ही क्यूट थी ये, और कलर भी बेबी पिंक था तो बहुत अच्छा है। और शॉर्ट्स में थी और ये इसके स्लीव्स देख सकते हैं, और यहाँ लगा के मेरी सिस्टर देख रही थी। और यहाँ से ग्रीन कलर में ये बहुत ज़्यादा फंकी शर्ट थी, लीलन स्टफ था इसका मिक्स था, और इसकी प्राइस भी 2500 थी। और ये लाइनिंग वाली शर्ट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ये ओपन कुर्ता स्टाइल में थी, जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छी थी। और ये भी 2500 में थी। मैक की सारी इनकी शर्ट्स अलक्रम की अच्छी होती है, यहाँ मैं लगा के देख रही थी क्योंकि मुझे पसंद आई थी, तो ये बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। और इसका स्टफ भी अच्छा था, लाइनिंग वैसे ही अच्छी लगती है, आप किसी भी चीज़ के साथ कैरी करें तो अच्छी लगती है। ब्लैक जीन्स कर सकते हैं, ब्लू जीन्स के साथ, और डिसेंट भी लगती है, किसी भी यूनिवर्सिटी में पहनने के लिए कंफर्टेबल है। और यहाँ ब्लू कलर की जो खद्दर की शर्ट्स थी ये भी अच्छी थी आर्म वेयरिंग के लिए, और इसके अगर स्लीव्स पे चुनर्स थी तो ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, क्यूट लग रही थी ये, और स्टाइल भी अच्छा था इस शर्ट का। और इसकी प्राइस भी 2500 थी। और ये पिंक कलर की शर्ट थी, सॉलिड्स में सिंपल, और स्लीव्स पे काम हुआ हुआ था। और यहाँ पे स्लीपिंग ड्रेसेस भी थे इनके पास, टू पीस में, यानी कि ट्राउजर शर्ट के साथ, तो ये भी अच्छे थे और हर कलर में थे। तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊँ, और ये भी 2000 से ऊपर रेंज में थे लेकिन अच्छे थे। और जो कुछ लोग स्लीपिंग ड्रेसेस देखते हैं तो यहाँ इनका स्टफ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग। और ये लाइनिंग कुर्ता एक और स्टफ कलर में था, और यहाँ पर ग्रीन कलर की थी शर्ट, इसके ऊपर भी अच्छा सा काम हुआ था, और ये लिनन स्टफ में था, विंटर स्टफ में था, तो ये भी बहुत अच्छा था। और ये फ्रंट थी इसकी डिटेलिंग, और ये लेमन कलर का एक कुर्ता निकाला था मैंने, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इसके फ्रंट पे आप देख सकते हैं, और बैक पे काम था। और यहाँ पे ऑरेंज कलर का है, ये ऑरेंज कलर में आप देख सकते हैं, खद्दर में एम्ब्रॉयडर्ड हुई हुई थी, और ये भी 2200 की रेंज में था। और यहाँ पे अनस्टिच मैक की शर्ट आस्तगी थी, टू पीसीस में भी बहुत अच्छा था, और वन पीस शर्ट भी थी तो बहुत अच्छा था। और इनके प्रिंट्स के साथ साथ इनकी वैरायटी और स्टफ़ बहुत सॉफ्ट होता है, मैंने लास्ट ईयर अभी यूज़ किया था तो बहुत सॉफ्ट स्टफ़ था। और यहाँ पे अपर नज़र आ रहे होंगे आपको डिफरेंट कलर में, और ये जैकेट भी है, जैकेट भी बहुत क्यूट थी लाइट बेबी पिंक कलर में, और ये रेड कलर का अपर था इसमें, और पीछे ब्लू कलर में भी था, तो वेस्टर्न स्टाइल के ड्रेसेस भी थे अगर आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आपको मैंने कहा ज़्यादा थोड़ी डिटेल से आपको मैक की शर्ट्स दिखा दूँ, आप यहाँ देख सकते हैं ऑरेंज मैक की शर्ट थी, ये बच्चों और गर्ल्स को, यंग गर्ल्स को पहने भी बहुत अच्छी लगती हैं। आप स्टिच भी करवा सकते हैं, अगर आप रेडीमेड इनकी नहीं लेना चाहते तो आप लोग यहाँ से स्टिच करवा लें तो बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ अच्छी लगती है। और साथ में स्टॉलर्स भी थे, कुछ लीलन में थी और कुछ खद्दर स्टफ में थी, तो बहुत अच्छी थी, फंकी फंकी से कलर वैसे ही गर्ल्स को पहने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये आपको मैंने सारी डिटेल दिखाया, ब्लू कलर में भी अच्छी थी, पिंक में भी, और मल्टी कलर्स भी हैं ऊपर भी देख सकते हैं आप, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिटेल और सिंपल ड्रेसेस थे। और यहाँ पे वूल्स की कोई वूल्स की नज़र आ रही होंगी, शॉल्स बहुत अच्छी थी इनकी, और ये 800-1000 की रेंज में थी तो बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे ड्रेस एक लगा हुआ था डिमी पे, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ब्लैक कलर में ये शॉल्स हैं, आप देख सकते हैं हर कलर में थी, और मैचिंग दुपट्टे भी थे यहाँ पे। और यहाँ पे यह शर्ट थी, ये भी काफ़ी अच्छी थी, आपको नज़र आ रही होगी लाइनिंग में बहुत अच्छी थी शर्ट थी, और इसकी प्राइस भी 2500 थी, और ये ब्लू के साथ कंट्रास्ट में थी, बहुत अच्छी थी। आप इसका स्टफ देख सकते हैं, खद्दर था, और इसके स्लीव्स जो थे वो थोड़े कॉटन स्टफ में थे, तो लेकिन डिज़ाइन बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी लगी है मुझे ये शर्ट। और आगे आप देख सकते हैं ये लाइट पिस्ता कलर और पिंक कलर कॉम्बो है जो बहुत अच्छा है, और इसकी प्राइस भी 2500 है, बहुत अच्छी है। और ये आप खद्दर की शर्ट देख सकते हैं, ये थोड़ी ब्लू और वाइट के कंट्रास्ट में थे, सिंपल शर्ट्स पीस देख सकते हैं, और ये थोड़ा डिसेंट कलर था स्किन्स और ब्लैक का, लेकिन इसका स्टफ भी अच्छा था। और इसके स्लीव्स के आगे देख सकते हैं इसकी डिटेलिंग कितनी अच्छी है। और यहाँ पे सेल यानी कि 850 की अलक्रम की खद्दर की अनस्टिच शर्ट मिल रही थी, हर सिंपल 850 आप देखें, और स्टफ भी इतना इनका अच्छा था आप देख सकते हैं। और मैंने फिर यहाँ से आपको दिखाया है, काफ़ी पड़ी हुई थी शर्ट्स खद्दर की 850 में, और इसमें कलर भी बहुत ज़्यादा थे और डिफरेंट स्टाइल्स थे, यानी कि सिंपल अगर आप प्लेन शर्ट के साथ बनाना चाहते हैं आम वेयरिंग के लिए भी तो। और इसमें आप देख सकते हैं लाइट कलर पिस्ता ग्रीन कलर और गोल्डन में था, ये देख सकते हैं। और दूसरा भी देखें आप ये शर्ट पीस के साथ भी, मैंने ब्लू, और मुझे ब्लू वाला बहुत अच्छा लगा था, इसके साथ आप ब्लैक ट्राउज़र बनाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगी शर्ट,
ये भी बहुत अच्छी शर्ट थी, यानी कि ऐसे शर्ट्स रिजनेबल प्राइसेस में यहाँ पे मिल रही थी, वो भी सिर्फ 850 में, और खदर स्टफ में, विंटर कलर में आप पहन सकते हैं। और यहाँ पे देखें स्किन और ब्लैक के कॉम्बो था, बहुत अच्छी थी। बाकी भी शर्ट्स पड़ी हुई थी तो मैंने फिर सारी नहीं आपको साथ शेयर की, आप जाएँ विजिट करें, बहुत अच्छी कलेक्शन है इनकी। और ये मेहरून और ग्रीन का कॉम्बिनेशन था, ये भी अच्छा था बहुत ज़्यादा, सब ही 850 की प्राइस में थी। यहाँ पे आप शूज़ के देख सकते हैं, यहाँ पे शूज़ की भी वैरायटी थी, ओपन में भी और बंद में भी। और यहाँ पे कुछ हैंडीक्रैफ्ट यानी कि पोनीज वगैरह भी थी, तो काफ़ी वैरायटी थी। यू मस्ट विजिट दिस अलक्रम, किसी भी सिटी में, हर सिटी में आजकल तो है, और वैसे अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो काफ़ी वैरायटी है। और यहाँ पे अब मैं देख रही थी इसकी भी प्राइजेस, तो ये भी 990 के का था। और यहाँ पे देख सकते हैं अपर्स, अपर्स में मैं आपको रेड कलर का अपर और बेबी पिंक जैकेट मेरी सिस्टर को बहुत पसंद आ रही थी, वो देख रही थी, वो कह रही थी ये मैं ले लूँ, तो इसकी भी हम चट कर रहे थे। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे रेशमी स्टफ में, शादी सीज़न वैसे भी है आजकल, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनकी शादी सीज़न से रिलेटेड, यानी कि फैंसी कपड़ों की। और ये सी ग्रीन कलर का ड्रेस बहुत प्यारा था इसकी, और रेंज इनकी 8000-9000 से स्टार्ट हो रही थी, और ये वाला मुझे नीचे वाला बहुत ज़्यादा डिसेंट लगा था बेबी पिंक कलर में, और इसकी प्राइस 11000 थी। ये बहुत एलिगेंट था, आप किसी भी वलीमा में पहन सकते हैं, किसी भी फैंसी। और यहाँ पे थोड़े लीलन स्टफ में थे और फैंसी टच में, और ये रेड कलर का मेहंदी में पहन सकते हो, और ये मरजेंडा कलर जो था स्काई के साथ, ये जैकवर स्टाइल में था, और ये रेड वाला थोड़ा फैंसी था, ये आप पहन सकते। और यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड लीलन में थे कुछ, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी आप ये देख सकते हैं, और ये फैंसी सारी वैरायटी है इस तरफ। और यहाँ पे 11000 के ये थे, ये मैं देख रही थी कि ये भी कितना एलिगेंट है, इसकी एम्ब्रॉयडरी, इसका स्टफ बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे एक शर्ट नज़र आ गई थी, तो मैंने यहाँ इसकी वीडियो बनाई, तो ये भी शेयर किया आप लोगों के साथ, तो ये भी बहुत अच्छी थी शर्ट, और इसकी प्राइस भी 2000 से ऊपर थी, तो अच्छी थी। और कलर कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी थी इसकी, भी अच्छा था। और ये स्टफ इसका खद्दर ही था, यानी कि मोटा स्टफ विंटर का, तो आप यह भी वेयर कर सकते हैं विंटर में। तो यह बाकी आप ड्रेसेस देख सकते हैं, ये सारे लिन की शर्ट्स लगी हुई थी मैक में, ये भी मैक की शर्ट थी, और इसके स्लीव्स से आगे देखें बहुत अच्छा काम हुआ हुआ था, प्लेट्स डले हुए थे। और यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर पर हम लोग चले गए थे, यहाँ पे थोड़े कैम्ब्रिक स्टफ में कपड़े थे, और कैम्ब्रिक और थोड़े विंटर का लाइट में थे, तो ये ब्लैक कलर की चेकवर्ड की शर्ट थी, फैंसी के साथ भी आप वेयर कर सकते हैं, किसी सेमी फॉर्मल ड्रेस फंक्शंस वगैरह के लिए भी सही है ये। और इसकी प्राइस भी 3000 थी, तो काफ़ी अच्छी थी इसमें। और ये ऑफ वाइट के ऊपर मेहरून एम्ब्रॉयडरी बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास लग रही थी, और इसके साथ था भी ये खद्दर की शर्ट, और इसके साथ आप मेहरून दुपट्टा लें। और यहाँ पर फैंसी ड्रेसेस जो थे, ये से ड्रेसेस जो थे वो वेलवेट के स्टफ में थे, लेकिन पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, ऐसे लग रहा था कि फैंसी यानी कि रेशमी स्टफ है, लेकिन ये पिंक कलर का जो आपके साथ दिखा रही हूँ, ये सारा शनील का कपड़ा था जिसको वेलवेट कहते हैं, और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, ये सारी चेक कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी हुई है कितनी अच्छी है सिल्वर कलर में। तो अगर दिसंबर में आपको किसी की वेडिंग है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ना तो सर्दी लगेगी और फैशन भी पूरा हो जाएगा, तो अच्छी प्राइस में थी। और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा था, यूनिक था, और प्राइस 11000 की रेंज में थी। और ये नीचे ऑरेंज में भी आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी, और ये नीचे येलो, ये मेहंदी के लिए बेस्ट ऑप्शन था, बहुत अच्छा था, इसकी भी 8000 आई थिंक सो प्राइस थी, तो काफ़ी अच्छी इनके पास ऑप्शन है आपके लिए वेडिंग के सीजन के मुताबिक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंक और ग्रे, ये थोड़ा कैम्ब्रिक स्टफ में था, और एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर पिंक कलर में हुई हुई थी, तो ये भी बहुत अच्छा था, और इसकी प्राइस भी 8000 की रेंज में थी, तो काफ़ी अच्छे थे। स्टार्टिंग प्राइजेस 8000 की हमें हो रही थी फैंसी की ना, और 11000-12000 की रेंज तक जा रही थी, एक्सीड कर रही थी उससे। ये इसकी लुक चेक कर रहे हैं आप, कितना ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है, और इसका दुपट्टा चेक कर रहे हैं, और नीचे जो पिंक कलर की वेलवेट की ड्रेस से बिल्कुल भी दूर से पता नहीं चलता, मैं मुझे भी नहीं पता चला जब तक मैंने उसे टच करके देखा नहीं कि किसका स्टफ कैसा है। तो बहुत अच्छी ऑप्शन है सर्दियों के लिए, क्योंकि शदीद सर्दी होती है, और हम कहते हैं क्या पहने, सर्दी भी है फैशन भी करना है, तो इसलिए
पता भी नहीं चलता। और ये नीचे जैकवर्ड स्टफ में था, लेमन और दुपट्टा का जैकवर्ड का था, तो ये भी बहुत अच्छा था। सेमी फॉर्मल की ड्रेसेस में तो उनकी फैंसी कलेक्शन बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। आप भी उसके अगर कहीं आपने शादी में सीज़न के लिए लेने हैं ड्रेसेस तो यहाँ आप ज़रूर विज़िट करें अलकरम ब्रांड पे। और ये मेहरून ग्रीन और ऑरेंज सारे ही वेलवेट वेलवेट स्टफ में था, और दुपट्टा डिफरेंट था। ऊपर ये ग्रीन जो मैंने जिंक कलर में चल है, ये भी वेलवेट स्टफ है, लेकिन दूर से पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा वेलवेट है। सारा काम वेलवेट के ऊपर हुआ हुआ था, और 11,000 इनकी प्राइजेस थी। यहाँ पर भी मुझे ये शर्ट भी बहुत अच्छी लगी थी इनकी, इसका स्किन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में 2850 की में शर्ट थी। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर इनकी सारी ड्रेसेस थे और बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे मैंने कहा मैं आपके साथ किड्स के भी थोड़ा शेयर कर दूँ। उससे पहले मुझे एक ड्रेस यहाँ पे नज़र आ गया था पीच सा, तो मैंने कहा पहले ये 3 पीसेस में और 2 पीसेस में लगे हुए थे, ये 5,000 की रेंज में थे, लेकिन अच्छे थे लग रहे थे मुझे। और ये ग्रे कलर में थोड़ा एलिगेंट डिसेंट सा लग रहा है, यानी कि थोड़ी एजर्ड अगर वुमेंस को चाहिए तो वो यहाँ से ले सकती हैं। इनकी देखें आप लोग कितनी अच्छी लग रही है। और ये था भी खद्दर में और स्टिच है 2 पीसेस, इसके साथ अंदर ट्राउज़र भी इसी कलर का था, तो इसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ भी ये मैं दिखा रही थी, मैंने कहा ये भी आपको अगर अच्छे से नज़र नहीं आए तो दोबारा से देख लें, तो इसकी भी बहुत अच्छी डिटेलिंग हुई थी। और पीच सा कलर है इसका, बहुत डिसेंट सा, तो बहुत अच्छा था। और ये डिफरेंट स्टफ़ नहीं था इसका, भी विंटर स्टफ़ है, और इसके ट्राउज़र ऑरेंज कलर का है, लेकिन इसका स्टफ़ ज़्यादा सर्दियों में नहीं, मिड विंटर में नहीं पहन सकते आप, स्टार्टिंग विंटर में पहन सकते हैं। और ये ब्राउन कलर का, और ये बहुत अच्छा लगा था मेरी मम्मा को, तो उन्होंने देखा कि ये शर्ट बहुत अच्छी है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे फैंसी की सारी एक दफ़ा मैंने लुक दिखा दी आप लोगों के साथ। अच्छा, वूल की शर्ट्स और वूल के सॉरी शॉल्स और ड्रेसेस जो थे वो इस तरफ लगे हुए थे, वो अभी इतनी कलेक्शन इनके पास नहीं आई विंटर में, यानी कि 3 पीस में, लेकिन ये कुछ जो आई हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। ये देखें आपको नज़र आ रही होगी पिंक में, और इसकी प्राइसेस 3,000 स्टार्टिंग है, 2,500 में 2 पीस था, और 3 पीस 3,200 3,500 की रेंज में था। यहाँ आप देख सकते हैं ये सारी वूल की और खद्दर की शर्ट्स हैं, और साथ 2 पीस हैं, ये 2 पीस थी इनके साथ, शर्ट और ट्राउज़र, किसी का दुपट्टा और शॉल जो थी। और ये सारे आप देख सकते हैं, इसकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी थी और वैरायटी भी बहुत इनकी अच्छी है। यू मस्ट विज़िट दिस प्लेस। का सीज़न है तो अगर आप लोगों को कम्फर्टर वगैरह चाहिए, क्योंकि जाहिर है वेडिंग में आप लोग जो है इसमें रखने हैं, तो ये भी स्टार्टिंग प्राइस 12,000 थी, लेकिन वो कह रहे थे कि सेल पे ये ऑफ हो जाएगा, तो सेल इनकी 18 नवंबर से स्टार्ट होनी है, तो आप यहाँ विजिट करें। और ये फैंसी कुछ ड्रेसेस थे जो ऑफ वाइट कलर में थे, तो मैंने कहा मैं ये भी आपको साथ शेयर करूँ। ये ऑफ वाइट में आप देख सकते हैं फैंसी शर्ट्स थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी मेहरून के साथ, ऑफ वाइट के साथ, बेबी पिंक कलर के साथ, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन था। और ये देख ले सकते हैं आप। और यहाँ पे टॉवल्स भी थे, इसकी भी प्राइस सही थी। और यहाँ पे स्टॉलर्स देख सकते हैं आप लोग, स्टॉलर भी हर कलर का था, और वूल की शॉल्स आपको मैंने पहले दिखा दी हैं वो भी यहाँ पे थी, तो यहाँ पे हर कलर का स्टॉलर्स है, दुपट्टे भी हैं और क्रिंकल के स्टफ में भी थे, और यहाँ पे किड्स के भी थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँ कि आज के वैसे वेडिंग सीजन है तो किड्स के बच्चों को भी चाहिए, तो उसके भी फैंसी शर्ट्स देख सकते हैं। पीच कलर का इतना प्यारा ये प्याजी कलर का ड्रेस है सा, और इसकी प्राइस भी देख सकते हैं आप लोग 2,500 की रेंज में है, तो 2 पीस था ये रेशमी में, बच्चों के लिए अगर आपको चाहिए तो यहाँ से ये ड्रेसेस भी मिल सकते हैं, ये देख सकते हैं आप।
वो यहाँ पे लेमन कलर में भी है और ये पिंक पर्पल में भी नज़र आ रहा है। बहुत क्यूट लग रहे थे मुझे बच्चों के ड्रेसेस भी, बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी इनके पास। और वेडिंग सीज़न तो वैसे भी है तो फैंसी भी है, और आगे खद्दर के भी लगे थे और शर्ट्स टी शर्ट्स भी थी आपको नज़र आ रही होंगी बच्चों की, तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी इन लोगों के पास। तो आप यहाँ पर विजिट करें और यहाँ पर ये आपको मैंने कहा यहाँ पर भी दिखाऊँ ये खद्दर में स्टफ़ जो बच्चों का है गर्ल्स का स्पेशली। तो ये ब्लैक कलर का ड्रेस था, ये आई थिंक 3000 की रेंज में था, और ये पीछे भी वूल की शर्ट लगी हुई थी ये पिंक कलर में। और यहाँ पर दोबारा से मैंने एक दफ़ा आपको पूरे लुक दिखा दूँगी, शर्ट दोबारा जो कैंब्रिक में रह गई हैं वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ कैंब्रिक पे ना 20% ऑफ था, तो ये मैंने कहा ये दिखा दूँ। ये सॉलिड प्लेन में थी शर्ट्स इनके पास, और डिफरेंट कलर में थी, जीन्स स्टफ में भी थी, और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये भी कैंब्रिक स्टफ में है और 20% ऑफ था, तो काफ़ी अच्छी वैरायटी थी ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लेमन कलर भी नज़र आ रहा होगा, तो और ये मेहरून पीछे नज़र आ रहा होगा आपको, ये मेहरून शर्ट भी बहुत प्यारी थी। और यहाँ पे लाइट पिंक्स कलर था, ये भी बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रहा था मुझे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी। और ये मेहरून देख सकते हैं, इसका स्लीव चेक करेंगे, इस पर डिटेलिंग हुई हुई है काफ़ी ज़्यादा। और ये सारे कैंब्रिक की शर्ट्स पे 20% ऑफ है इनके। और यहाँ पे ये खद्दर की शर्ट आ गई थी, तो ये थोड़ी ना आ जाते हैं ना मिड में थी, डिसेंट कलर का जो ज़्यादा पहनना पड़ना। देख सकते हैं गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको किसी और जगह की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट पर बताएं। थैंक यू सो मच।